अच्छा लग रहा है 17 इयर्स बाद वर्ल्ड कप आ रहा है इंडिया में। लास्ट टाइम एमएस धोनी सर ने जिताया था, अब अपने रोहित शर्मा लेके आए हैं वर्ल्ड कप, तो फीलिंग तो बता ही नहीं सकते कि कैसी है, पर बहुत अच्छा लग रहा है। हाउ इज द जोश हाय। कैसे अपने कप्तान का स्वागत कर रहे हो? अब तो इंद्रदेव मेहरबान है, बारिश भी हो रही है, मौसम ठंडा हो गया है। अपने कप्तान को चेयर करेंगे बहुत ज्यादा, भगवान भी कर रहे हैं उनके लिए, देखो बारिश बरसा दी। अपने कप्तान को बहुत ज्यादा चेयर करके स्वागत करेंगे, उन पे फूल भी बरसाएंगे, उनको ये अपनी ड्राइंग में दिखाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शुक्रिया। कितनी खुशी आप लोगों को आज? बहुत ज्यादा खुशी है बाजू, क्योंकि वर्ल्ड कप 17 साल बाद वापस आ रहा है, जो कि धोनी की कप्तानी में साथ में आया था, अब वो 17 में आया है, और बहुत ज्यादा खुशी है, एक्साइटेड है हम लोग 1 बजे से यहाँ पे। बिल्कुल झंडे के साथ स्वागत करेंगे और टीम को गला भी बैठ गया, लेकिन कोई टेंशन नहीं। बिल्कुल यही कहेंगे, जीत गया भाई, जीत गया भारत माता की। जैसे फर्स्ट टाइम आए थे, आज भी ऐसे आ गए तो बहुत खुशी हो जाएगी, ट्रॉफी के साथ आ गए तो बहुत ज्यादा खुशी हो जाएगी। फर्स्ट टाइम जब मैं विराट से मिला था तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था, 3 दिन मेरे को नींद नहीं आई थी कि मैं विराट कोहली से मिल लिया था, और इतना खुश हूँ मैं। रात को 1 बजे यहाँ आ गया कि टीम हमारी वर्ल्ड कप लेके आ रही है, और रात 1 बजे से ही मैं इनका वेट कर रहा हूँ। अब टीम आते ही जो हम भव्य स्वागत करेंगे टीम का, वो आप लोग देखोगे। कप्तान रोहित शर्मा का कैसे स्वागत करेंगे? कप्तान रोहित शर्मा का तो जो स्वागत करेंगे सर, आंखों पर बैठा के स्वागत करेंगे, ऐसा स्वागत करेंगे सर, आप भी देखोगे कैसे स्वागत करेंगे रोहित शर्मा का। भारत की टीम वापस आ रही, किस तरीके की तैयारी मेजबानी के लिए आप लोग तैयार है? क्या कुछ खिलाएंगे, मिठाई किस तरीके की आप लोग सेलिब्रेट करेंगे? सर अगर वो मौका मिला, मिठाई नहीं सर, हम तो क्या खिला देंगे उसको छोड़ो, हमारी टीम को देखने का, एक ट्रॉफी देखने का हमें 17 साल बाद मौका मिलेगा, इतनी खुशी होगी जिसका कोई ठिकाना नहीं है। आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे लोग रातों से आके खड़े हो गए अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, एक झलक देखने के लिए, एक ट्रॉफी देखने के लिए। ठीक है, देर रात से आप खड़े हैं, इंद्रदेव भी मेहरबान है टीम इंडिया का स्वागत करने के लिए, मौसम ठंडा हो चुका है। बिल्कुल सर, अगर हमको आज पूरा दिन भी खड़ा होना पड़ता तो हम बिल्कुल खड़ा होते, क्योंकि जोश इज हाई हाई, क्योंकि 17 साल बाद अपने इंडिया जीता है, इसके लिए तो कुछ भी कुर्बान है सर। यस जोश इज हाई, सो यस। क्या कहोगे, अब तो टीम इंडिया वापस आ रही है, विराट वापस आ रहे हैं, रोहित वापस आ रहे हैं, वर्ल्ड कप लेके आ रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है 17 इयर्स बाद वर्ल्ड कप आ रहा है इंडिया में। लास्ट टाइम एमएस धोनी सर ने जिताया था, अब अपने रोहित शर्मा लेके आए हैं वर्ल्ड कप, तो फीलिंग तो बता ही नहीं सकते कि कैसी है, पर बहुत अच्छा लगा। हाउ इज द जोश हाय। कैसे अपने कप्तान का स्वागत कर रहे हो? अब तो इंद्रदेव मेहरबान है, बारिश भी हो रही है, मौसम ठंडा हो गया है। अपने कप्तान को चेयर करेंगे बहुत ज्यादा, भगवान भी कर रहे हैं उनके लिए, देखो बारिश बरसा दी। अपने कप्तान को बहुत ज्यादा चेयर करके स्वागत करेंगे, उन पे फूल भी बरसाएंगे, उनको ये अपनी ड्राइंग में दिखाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार। सर मैं 4 बजे से वेट कर रहा हूँ और झांसी से आया हूँ, एंड आई एम वेटिंग फॉर माई टीम इंडिया। ये कोई मामूली बात नहीं है, 2 बार वर्ल्ड कप जीतना, इंग्लैंड एंड ओनली इंडिया गेट अ चांस टू विन दिस वर्ल्ड कप, एंड रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा 90s किड के लिए लास्ट टाइम मौका मिल रहा है जिनको हम देख पाएंगे, तो लाइव में उनको देखने आया हूँ। सारे मैचेस मैंने थिएटर में देखे हैं, सारे दोस्तों के साथ एंजॉय किया है, सो प्रीटी एक्साइटेड एंड मच अवेटेड फॉर द टीम इंडिया। रोहित और विराट और पूरी टीम, जो विराट सेना है, जो रोहित की सेना है, वो आज जब आएगी आपकी आंखों के सामने होगी। और इंद्रदेव मेहरबान है, मौसम ठंडा हो चुका है, जब पिच पे इंद्रदेव मेहरबान होते हैं तो मैच रुक जाता है, लेकिन यहाँ तो एक्साइटमेंट बढ़ता ही जा रहा है। सर भगवान भी, ईश्वर भी कृपा दिखा रहे हैं और वो बहुत खुश है, जैसे कि बारबाडोस में भी वर्ल्ड कप के बाद बारिश हुई थी,
तो आज भी इंडिया टीम के आने के बाद उनके पैर जैसे ही धरती पे चूमेंगे तो वो अपना आशीर्वाद भगवान दे रहे हैं, तो वो भी बहुत खुश है क्योंकि जो सूर्य कुमार का कैच था वो मामूली बात नहीं थी, वो ईश्वर की कृपा थी, प्रेजेंस ऑफ माइंड था जिसकी वजह से हमें जीत मिली, हमारे सारा देश 150 करोड़ हिंदुस्तानी मूव ऑन कर पाए। रोहित शर्मा की कप्तानी को कैसे देखते हैं आज, कप्तान इस सरजमी पर वापस आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सर देखो ऐसी बात है, आईपीएल में रोहित की कप्तानी को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया गया और मुंबई इंडियंस ने रोहित को कप्तानी से हटा भी दिया था, लेकिन रोहित ने बताया कि उनमें कितना दबदबा है। जब 2023 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया फाइनल में पहुंची और टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा, रोहित की बड़ी आलोचना करी कि यार रोहित तो खाली 5 ट्रॉफी आपकी फिरौड है, लेकिन रोहित शर्मा ने बताया कि रोहित शर्मा क्यों आपके चैंपियन कप्तान है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के अगेंस्ट जो रोहित शर्मा की एज अ बैटर बैटिंग आई है उसे दुनिया नहीं भूल सकती। मैंने इससे पहले मिचेल स्टार्क की ऐसी दुनाई नहीं देखी और रोहित शर्मा भी उस लेगेसी में आ गए जहां पर कपिल पाजी, MS धोनी, और जब हम बात करते हैं आपके लेगेसी में आ गए वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान, इससे पहले हम नहीं जीत पाए और 17 साल बाद वर्ल्ड कप, मतलब इस बार तो हमसे कोई उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, लेकिन लेजेंड है, रिस्पेक्ट है, सैल्यूट है रोहित शर्मा को। टीम की जीत है ये नहीं खाली रोहित शर्मा की टीम की जीत है, लेकिन लीडर, जब भी हम बात करते हैं लीडर को क्रेडिट ज्यादा जाता है। 30 बॉल में 30 रन जब हमें बचाने थे, रोहित शर्मा ने इससे पहले भी पाकिस्तान के अगेंस्ट टीम इंडिया ने लो टोटल बचाया और आज भी लो टोटल टीम इंडिया ने बचाया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, तो 30 बॉल में 30 रन, सैल्यूट सूर्य कुमार यादव के।